आज मेरा सब्जेक्ट है इंतजार करना समय बर्बाद करना नहीं है। वेटिंग टाइम इज नॉट वेस्टिंग टाइम। इंतजार का समय बर्बाद करने का समय नहीं है या बर्बाद करना नहीं है, समय बर्बाद करना नहीं है। मनुष्य कई बार, परमेश्वर के लोग भी, जब काम नहीं होता है, टाइम ज्यादा हो जाता है या उनके मुताबिक टाइम ज्यादा होता है, तो सोचते हैं पता नहीं हम टाइम को बर्बाद कर रहे हैं। बहुत सारे लोग आज दुनिया में देखोगे, आजकल सब कुछ फास्ट चाहिए। क्या चाहिए? अभी यूं प्रार्थना करें परमेश्वर और यूं जवाब मिल जाना चाहिए। हालेलुया। खाने बनाने का मन नहीं कर रहा है आज, थोड़ा बॉडी पेन कर रहा है, थोड़ा सा बाहर से ना वो ले आओ, क्या है, चाउमीन ले आओ, थोड़ा सा बर्गर ले आओ, थोड़ा पिज्जा ले आओ, थोड़ा और कोई फास्ट फूड जंक फूड लेके आ जाओ, क्योंकि खाना बनाने का मन नहीं कर रहा है। और ऐसे करके हजारों लाखों लोग अपने शरीर को बेढंगा बना लिए हैं, अपने शरीर को बीमार बना लिए हैं, अपने शरीर को बेकार बना लिए हैं, बीमारियों का घर, क्योंकि उनको खाना बनाने का मन नहीं कर रहा है। तो पत्नी पत्नी कह रहे हैं अब चलो बाहर से ही मंगा लेते हैं। एक परिवार को मैं जानता हूं, मैंने अपनी आंखों से देखा है, बच्चे बड़े बड़े हो गए 17-18 साल के, पर घर में खाना उनकी पत्नी बनाना पसंद नहीं करती थी। उनके पति ले जाओ ले आओ ले आओ, बाहर से चिकन, बाहर से मटन, बाहर से बिरयानी, बाहर से ये वो खाओ। मैंने देखा था बच्चे ऐसे हो गए और ये सब ऐसे झूल रहे थे, तोन धोना 17 साल का बच्चा और ऐसे चल रहे हैं। आपके 17 साल का बच्चा पता नहीं कितना, कौन सी क्लास में, 9वीं 10वीं क्लास में जो भी पढ़ रहा होगा, बाप भी ऐसे, माँ भी ऐसे, और बेटा भी ऐसे, और बेटी भी ऐसे। क्यों? खाना बनाना नहीं चाहते, खाना नहीं बना सकते भैया। जो चीज अच्छी है आपको करना है। फास्ट फूड चाहिए लोगों को और सब कुछ फास्ट चाहिए। ट्रेन में बैठना है तो फास्ट ट्रेन में जाएंगे, सब चीजें में जो है, यहाँ तक कि फास्ट वर्शिप चाहिए। हम चर्च नहीं जाएंगे। क्यों नहीं जाओगे बेटा? अरे वो जो चर्च है ना पास देश में लिखा है, वहाँ तो एक घंटे वर्शिप ही करते हैं। अरे वो पड़ोस में जो चर्च है, एक घंटे में तो सब खत्म हो जाता है। हम वहाँ जाएंगे। फास्ट वर्शिप भी चाहिए, फास्ट वचन भी चाहिए। मैं आपको बताऊं, अगर अपने लाइफ में इस प्रकार का फास्ट भाग रहे हैं तो आप अपनी प्रार्थनाओं का जवाब नहीं पा पाओगे। किसी किसी चीज में आपको सहना पड़ेगा, आपको धीरज धरना पड़ेगा, आपको स्थिर होकर चलना पड़ेगा। परमेश्वर आपको क्या करेगा? ब्लेस करेगा। सब फास्ट चाहिए। अगर कोई बीमार हो जाए बंदा, मैं आपको नहीं बोल रहा हूँ, ये नहीं सोचना कि मैं आपको सोच के बोल रहा हूँ, पर ये फैक्ट है। अगर कोई बीमार हो जाए बंदा, चाहे वो कोरोना वायरस हो जाए, चाहे वो महामारी हो जाए, चाहे अकाल पड़ जाए, चाहे पानी बरस जाए, तो भी वो कहेगा पास्टर जी आप चर्च में मिलो, मैं वहां आ रहा हूं। जब सब कुछ अच्छा चलता है, कोई नहीं कहता है पास्टर जी मैं आ, तब सोचते आज ना सोने का समय, आज थोड़ा सा मौसम सही नहीं है, आज थोड़ा मौसम गड़बड़ है, आज थोड़ा आराम करने का समय है। मनुष्य इस प्रकार काम करता है। बहुत सारे लोग परमेश्वर की आशीष से वंचित है, क्योंकि जब समस्या में होते हैं तभी परमेश्वर को पुकारते हैं, जब परेशानी में आते हैं तभी दिल लगाते हैं, जब समस्या में आते हैं तब खुदा को याद करते हैं, जब समस्या से बाहर रहते हैं तो परमेश्वर को बोलते तू कौन। मैं आपको बताऊं, आपको समस्या से बचा कर रखेगा परमेश्वर। अगर आपका समय अच्छा चल रहा है तो भी उसको महिमा दे रहे हैं। हालेलुया। आप सब कुछ आपके पास है और फिर भी आप उसको महिमा दे रहे हैं। राजा दाऊद ने एक काम किया, जब वो राजा नहीं था तो भी वीणा बजाकर परमेश्वर का धन्यवाद देता था, वो चरवाहा था तो भी परमेश्वर की महिमा करता था, जब वो राजा बन गया तो भी कह रहा है जब लोगों ने मुझसे कहा आओ यहोवा के घर को चले, तो मैं क्या हो गया, नहीं मैं रोने लगा, आज ना मेरा मन नहीं कर रहा है, मैं राजा हूं ना, पूरे दिन भर राजा प्रजा की सेवा करते करते थक गया हूँ, कल बहुत सारे 200, 500, 1000 लोग आए थे मेरे दरबार में और मैं थक गया,
आज संडे को मैं नहीं जा पाऊंगा। दाऊद कहता है जब लोगों ने मुझसे कहा कि आओ यहोवा के घर को चले तो मैं आनंदित हो गया। हालेलुया। मैं दर्द को याद नहीं किया, मैंने कल क्या किया उसको याद नहीं किया, मैंने याद किया वो परमेश्वर के घर में चल रहा है, मैं चलूंगा। हालेलुया। फास्ट क्रिश्चियन हो गए हैं? नहीं, जब मन किया तो जाएंगे, मन नहीं किया तो परिस्थितियां ठीक होंगी तो जाएंगे, परिस्थितियां ठीक होंगी नहीं होंगी तो नहीं जाएंगे। सब कुछ अच्छा चलेगा तो अपने काम करेंगे, जब सब परेशानी में आ जाएंगे तो प्रभु को याद करेंगे। सुनिए, परमेश्वर ना तो आपका गुलाम है, ना तो आपका सेवक है, और ना ही परमेश्वर को आपने कर्जा दिया है। परमेश्वर परमेश्वर है क्योंकि उसने आपको रचा है, आपको बनाया है, आपके लिए जान दी है। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। आप उसके ऊपर दया नहीं कर सकते हैं। आपके ऊपर परमेश्वर दया ना करे तो क्षण भर में मनुष्य भाव के समान समाप्त हो जाता है। हालेलुया। आपने फेसबुक पर, ट्विटर पर आप बहुत सारे मैसेज देखे होंगे जिनके बारे में आपने कल सुना था बहुत अच्छे थे, आज दुनिया में नहीं पाए जाते हैं। हालेलुया। जिन्होंने कोरोना वायरस का टीका भी लगवा लिया था, उन्होंने सोचा था कि हम जिंदा रहेंगे, पर वो दूसरे दिन पता चला इस संसार में नहीं रहे। अगर खुदा किसी को ना बचाना चाहे तो आपको कोई नहीं बचा सकता। प्रेज द लॉर्ड। पर मेरा कहने का मतलब ये नहीं कि टीका लगवाना गलत, मैं नहीं कह रहा हूँ। मेरे कहने का मतलब टीका लगवा कर ये घमंड करना कि मैं बचा रहूंगा, ये संभव नहीं है। अगर परमेश्वर आपको ना बचाए तो आप कहीं नहीं बच सकते। अगर परमेश्वर ना छुड़ाए तो आपको कोई छुड़ा नहीं सकता। प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया। बोल यीशु मसीह के, बोल यीशु मसीह के। सब कुछ फास्ट के कारण आज मनुष्य परमेश्वर की बातों को नहीं समझ पा रहा। मैं उन कलीसियाओं के लिए धन्यवाद करता हूँ जो 8-8 घंटे, 10-10 घंटे, 15-15 घंटे सेवा में पूरे पूरे संडे को पूरा 12-12 घंटे आराधनाएं चल रही हैं, प्रार्थनाएं हो रही हैं, गवाहियां चल रही हैं और लोग वीडियोस देख रहे हैं 12-12 घंटे। हालेलुया। और चमत्कार बड़े बड़े हो, जानते हैं क्यों? क्योंकि लोगों ने मन में ठान लिया आज का दिन परमेश्वर का है। आज मैं 12 घंटे भी चर्च में बैठना पड़ेगा, मैं बैठूंगा, पीछे मुड़कर घड़ी नहीं देखते हैं। हालेलुया। अच्छा, शायद हमारे चर्च में नहीं देखते, आप ना देखें तो बेहतर है। पर जहां पर नामधारी कलीसियाएं हैं वहां पर पता है कि 9 बजे से 10 बजे प्रेयर है। अगर 10:01 हो जाएगा तो ईसाई भाई ऐसे कहेंगे, अच्छा जी इधर देखो, इधर देते हैं, टाइम हो गया बंद करो, अब हमको क्या करना है। प्रभु का धन्यवाद कि आप ऐसे नहीं हो। प्रभु का धन्यवाद कि आप 3-3, 4-4 घंटे प्रभु की महिमा के लिए आप अपना समय दे सकते हो। हालेलुया। मैं चाहूँगा जोरदार अपने लिए ताली बजाओ। हालेलुया। अगर 12 घंटे भी आने वाले दिन में आपको देना पड़े तो आप देने के लिए तैयार रहना, क्योंकि जैसे आप प्रभु को समय देते हैं प्रभु भी आपको वैसे ही समय देते हैं। आमेन। प्रेज द लॉर्ड। बोल प्रभु यीशु मसीह के। सब कुछ फास्ट हो गया है, सब कुछ तुरंत चाहिए, प्रार्थना अभी करें, अभी जवाब भी चाहिए। आज ऐसे मसीही हो गए हैं। लेकिन सुनो, परमेश्वर का अगर इंतजार कर रहे हो, प्रार्थना करके आप इंतजार कर रहे हो, परमेश्वर आपकी प्रार्थनाओं का जवाब जरूर देगा। हालेलुया। परमेश्वर के समय का इंतजार कर रहे हो, अपने समय पर परमेश्वर आपको लाइफ पार्टनर देगा, अपने समय पर परमेश्वर आपको जॉब देगा, अपने समय पर आपको बिजनेस देगा, अपने समय पर आपकी हर परेशानियों का समाधान भी करेगा। इंतजार करके देखो। Praise the Lord। जो इंतजार नहीं करते वो अपना शॉर्टकट अपना लेते हैं। क्या कर देते हैं? अरे इधर से काम नहीं हो रहा है, प्रार्थना करने से आप ऐसा करते हैं, इधर चलते हैं, अब वो टेढ़े लाइन में चले जाते हैं। हालेलुया। मैंने एक पासवान की गवाही बताई थी आपको, अगर याद हो तो ठीक है, नहीं मैं फिर से एक बार बता दे रहा हूँ। पास्टर जब वो पढ़ाई कर रहे थे, पास्टर नहीं थे, तो उन्होंने मन में ठाना कि मैं सेवकाई करूँगा। उनका दोस्त मन में ठाना कि मैं बिजनेस करूंगा।
पास्टर जो वो जो पास्टर है वो उन्होंने सेवकाई में आ गए और बिजनेस वाला बिजनेस करने लगा। सेवकाई में इनको कुछ नहीं था क्योंकि सेवकाई में बहुत सारी चुनौतियां हैं, बहुत सारा स्ट्रगल है। सेवकाई में बहुत सारे लोग मतलब शेर की जैसे मुंह फाड़े खड़े रहते हैं, पर बिजनेस में वो बंदा बढ़ता गया। वो अपने आप को देखता हो, मेरा दोस्त अभी तो तू वहीं पर है, मैं देख मेरे पास गाड़ी आ गई, मेरे पास घर आ गया, मेरे पास ये आ गया, तू तो अभी पैदल ही चल रहा है, तू तो अभी साइकिल पे ही चल रहा है। लेकिन वो परमेश्वर की सेवा करते रहे, परमेश्वर ने अपने जन को ऐसे उठाया, हालेलुया, ऐसा उठाया, ऐसा भी उठाया। फेसबुक, ट्विटर, यूट्यूब और बहुत सारे जो आज प्लेटफॉर्म है, परमेश्वर ने उनको ऐसा उठाया, आज करोड़ों लोग उनके वीडियोस को एक बार में देखते हैं, करोड़ों लोग, हालेलुया, पूरे विश्व में करोड़ों लोग देखते हैं। अब जो फ्रेंड था उसका बिजनेस खत्म। अब एक दिन अपने उस पास्टर फ्रेंड को फोन किया, बोला फ्रेंड मैंने तेरे बारे में बहुत सुना है, तेरा नाम चारों तरफ फैल गया है, हालेलुया। बोले कैसे सुना है? बोले भाई यूट्यूब पर इस पर वीडियो देखता हूँ, क्या बात है, परमेश्वर कैसे इस्तेमाल कर रहा है। पास्टर ने पूछा और तुम बताओ कैसे हो, तुम्हारा बिजनेस कैसे चल रहा है? बोले शुरू में तो बहुत बढ़ा और अचानक आकर सब कुछ बर्बाद हो गया। परमेश्वर के साथ चलकर, उसकी राहों में चलकर चलोगे, धीरे धीरे बढ़ोगे, लेकिन बढ़ोगे तो कभी गिरोगे। पर जो तुरंत शॉर्ट कर अपना का तुरंत उड़ना चाहते हैं, उड़ते जरूर हैं, लेकिन जब पंख कट जाते हैं तो गिरने में टाइम। इसलिए परमेश्वर का समय, परमेश्वर की आशीष, परमेश्वर की चीजें सबसे उत्तम है इस दुनिया में। चाहे आप किसी भी प्रकार से हालेलुया आप कमा ले, वो उत्तम नहीं है, पर परमेश्वर की ओर से उत्तम है। उत्पत्ति उसका 40वां अध्याय, एक घटना है यहाँ पर। हमारा विषय है इंतजार करना समय बर्बाद करना नहीं है। एक व्यक्ति जिसका नाम यूसुफ है, परमेश्वर ने इसको एक दर्शन दिया और कहा मैं तुझे बहुत ऊंचा उठाऊंगा, मैं तो तेरे सामने तेरे भाइयों को दंडवत कराऊंगा। और वो दर्शन जब परमेश्वर ने उससे बातें की तो वो उसने उस पर विश्वास किया, और विश्वास करके जब उसके ऊपर समस्या आई वो घबराया नहीं, वो आगे बढ़ता चला गया। एक दिन पोथीफर की वाइफ ने उस पर झूठा आरोप लगाकर उसको कैद में बंद करवा दिया। यूसुफ जब कैद में था, इस इच्छा में था कि मेरा परमेश्वर अपने वायदे को पूरा करेगा, जो परमेश्वर कहता है उसको वो निश्चय पूरा करता है, हालेलुया। जब वो कैद में ही था, वो आशा में ही था, तो दो व्यक्ति कैद में आए, एक खिलाना वाला है, एक पिलाने वाला, एक खाना बनाने वाला। जोरदार ताली बजाएंगे, सोए नहीं, ध्यान से थोड़ा सा ध्यान से सुनिएगा, सोए नहीं तो बेटर है, वचन के टाइम बिल्कुल ना सोए। अगर आप कोई सोता है तो पड़ोसी जरूर उनको थोड़ा सा जगा दें, हालेलुया। आप घर में बैठे हैं तो भी ऐसा होता है, जब वचन सुनाया जाता है नींद आती है, उसका पीछे कारण है क्योंकि शैतान नहीं चाहता कि कानों में वचन जाए और हम चंगे हो जाए। वचन क्या करता है? चंगा करता है। प्रेज लॉर्ड, हालेलुया। वचन हमारे मन को बेहतर बनाता है, इसलिए हमको सजग रहना, जब वचन सुनते हैं खासकर बहुत अलर्ट रहें, क्योंकि ये टाइम होता है जब शैतान कहता है आराम से सो जाओ, हालेलुया। इसलिए ध्यान से सुने, परमेश्वर का वचन कहता है कि यूसुफ जब एक खाना बनाने वाला और एक जो है राजा को दाखरस पिलाने वाला, वो दोनों कैद में थे, उन्होंने एक ही दिन सपना देखा। क्या देखा? उन्होंने सपना देखा और दोनों सपना देख के सुबह बड़े उदास से थे। क्या थे वो? बड़े उदास से, और उदासी में ये कह रहे थे अब करे तो करे क्या, हमारे सपनों का अर्थ बताने वाला कोई है नहीं,
यूसुफ भीतर आकर कहने लगा, तुम्हारे चेहरों पर उदासी क्यों है, तुम्हारे चेहरों पर उदासी क्यों है। उन्होंने कहा, हमने सपना देखा, पर एक ही दिन और एक ही समय में हमने सपना देखा, पर उसका अर्थ बताने वाला कोई नहीं है, हम क्या करें। यूसुफ ने कहा, परमेश्वर ही सपनों का अर्थ बताने वाला है, तुम अपने सपनों को बताओ। हालेलुया, उन्होंने अपना सपना बताया और यूसुफ ने एक को बताया कि पिला ने हारे को बताया कि परमेश्वर तो राजा जो है तुमको फिर से अपने पद पर जहाँ पर तुम थे वहाँ पर खड़ा करेगा। हालेलुया। 3 दिन के बाद दूसरे ने देखा कि बहुत अच्छा जो है इसका अर्थ बताया, तो उसने कहा मुझे भी बता दो, मेरा भी ये स्वप्न है। तो यूसुफ ने कहा 3 दिन बाद तुझे भी राजा क्या करेगा, तेरा सर कटवा के जो है पेड़ पे लटकवा देगा और आकाश के पक्षी कौवे आकर उसको खाएंगे। लेकिन उसने कहा, अगर पिलाने वाले से कहा, अगर ऐसा तुम्हारे साथ होता है तो मुझे भी याद, मेरी भी थोड़ी सिफारिश लगा देना राजा से और मैं भी बाहर निकल आऊं। पर पिलाने हारे को जब उसका पद रिस्टोर हुआ मिला तो वो उस बात को भूल गया। 40:23 उत्पत्ति का 40:23 ध्यान से सुने, आपके लाइफ में परमेश्वर एक बड़ा काम करने जा रहा है, आपके लाइफ को बदलने जा रहा है परमेश्वर, क्योंकि आप भी ऐसे भाग दौड़ में लगे हैं कि सब कुछ जल्दी हो जाए। जी हाँ, 40:23 फिर क्या देखता हूँ कि उनके पीछे और साथ वाले छोटी छोटी और पतली और चौड़ाई से 40:23 फिर भी पिलाने हारों के प्रधान ने यूसुफ को स्मरण ना रखा परंतु उसे भूल गया। हालेलुया, फिर भी पिलाने वाले के सरदार ने उसको स्मरण ना किया, प्रधान ने स्मरण ना किया, वो यीशु को भूल गया। हालेलुया, हालेलुया। लेकिन यीशु इंतजार कर रहा है कि मेरा समय आने वाला है। यीशु इंतजार में है कि अगर वो भूल गया, लेकिन मेरा खुदा कभी भूलने वाला नहीं है। हालेलुया, जोरदार ताली बजाएंगे। लोग आपके भलाइयों को भूल जाएं, लोग आपके जीवन में कामों को भूल जाएं, लोग आपके किए हुए मदद को भूल जाएं, आपकी प्रार्थनाओं को भूल जाएं, आपके उपकारों को भूल जाएं, लेकिन परमेश्वर कभी आपके इन कामों को भूलने वाला नहीं। हालेलुया, बोल प्रभु यीशु मसीह के। इसलिए आपने जो प्रभु में किया है, बाइबल में लिखा है प्रभु में किया गया परिश्रम बेकार। शायद आप, मैंने बहुत बार बताया है, मैं कई बार घरों में बताया है कि कई बार हम सेवा किसी और के लिए करते हैं और वहां से हमें कुछ ना मिले, पर परमेश्वर किसी और को खड़ा करके बोलता है, जो सेवा तूने इसके लिए किया है उसका भी मूल्य तुझे दूंगा। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। परमेश्वर आपके किए हुए भलाई को, आपके किए हुए उपकार को कभी नहीं भूलता, उसका प्रतिफल आपको जरूर देता है। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। बोले सु मसीह के, बोले सु मसीह के। इंतजार का समय शायद लंबा हो सकता है, पर रिजल्ट हमेशा सही आने वाला है। आमीन, हालेलुया। इंतजार का समय लंबा हो सकता है, पर रिजल्ट हमेशा क्या आएगा, सही आएगा। आप जल्दीबाजी में हो सकता है कि सही दिखाई दे हो, लेकिन उसका रिजल्ट हमेशा बुरा होता है, उसका परिणाम हमेशा क्या होता है, बुरा होता है। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया, हालेलुया। जब तक सही समय ना आए आप हड़बड़ी ना, सही समय ना आए तब तक आप हड़बड़ी ना करें। हालेलुया, हालेलुया। सही समय कई लोगों के लाइफ में आ जाता है, पर वो पहचानते नहीं। सही समय आ गया पर वो पहचानते नहीं। कितने आज लड़कियां, कितने आज भाई लोग, कितने आज बहने कुंवारी हैं, क्योंकि जब उनके लाइफ में सही पार्टनर आया था उसको रिजेक्ट कर दिया। जब उनका उम्र सही था, जब वो जवान थी,
जब वो खूबसूरत थी, जब वो हैंडसम थे, तब उन्होंने सोचा ऐसे बहुत बेहतर बेहतर आ जाएंगी, बहुत बेहतर बेहतर आ जाएंगे। और उन्होंने रिजेक्ट करते गए। और एक समय आया जब उनके उनके गालों पर झुर्रियाँ आ गईं, जब उनके उनके जब हैं जब उनके चेहरे लटकने लगे, तो सोचने लगे कोई भी मिल जाता तो शादी कर लेते। पर तब तक समय बहुत बीत चुका होता है और उसको कोई नहीं मिलता। हालेलुया। बहुत सारे लोग अपने लाइफ में जान लीजिए सही समय को नहीं पहचान पाते हैं। अगर आप सही समय को पहचान लिए तो आपको सफल होने से कोई रोक नहीं सकता है। सही समय को पहचानना बहुत 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 जरूरी है। पहली बात, आपको जल्दबाजी नहीं करना है यदि समय नहीं आया है तो। दूसरी बात, आपको तुरंत काम करना है अगर आपका समय आ गया है तो। हालेलुया। तीसरी बात, आपको समय पहचानना आना बहुत जरूरी है। अगर पहचान नहीं आई तो आपके जीवन से बड़ी आशीषें चली जाएंगी। आपको अगर आप जाकर बैठे आज सोचें तो आप पाओगे आपके जीवन में सैकड़ों ऐसे अवसर आए थे जहां पर आपका जीवन बेहतर बन सकता था। सैकड़ों ऐसे लोग आए थे जो आपको ऊंचा उठा सकते थे। सैकड़ों ऐसी घटनाएं आपके जीवन में हुई थी जिससे आप ब्लेस्ड हो सकते थे, लेकिन आपने अवसर को नहीं पहचाना, इसलिए आप उस आशीष को नहीं पा सकते। हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। समय को पहचानना बहुत जरूरी है। इज़राइल में मसीहा का जन्म हुआ, इज़राइल में प्रभु यीशु का जन्म हुआ, जिस मसीहा के लिए वो हजारों वर्ष से इंतजार कर रहे थे। और ये जान रहे थे मसीहा एक कुंवारी से गर्भवती होगी और वो उससे पैदा होगा। पर जब मसीह पैदा हुआ तो इज़राइल ने उसको नहीं पहचाना। जब मसीह आया, जब प्रचार किया, जब चमत्कार किया, जब बड़े बड़े काम किए, जब अंधों को आंखें दिए, लंगड़ों को चलाया, गूंगों को शब्द दिया, बहरे को सुनने के लिए सामर्थ दिया, मुर्दों को जिलाया, तब इज़राइल नहीं समझ पाया। आमीन, हालेलुया, हालेलुया। क्या ऐसा हमारे जीवन में तो नहीं है कि प्रभु की ब्लेसिंग आने वाली है और हम पहचान ही नहीं रहे? हालेलुया। प्रभु का काम होने वाला है और हम पहचान ही नहीं रहे। प्रभु मिराकल करने वाला है, हम पहचान ही नहीं रहे। परमेश्वर ब्रेक थ्रू करने वाला है और हम पहचान ही नहीं रहे हैं। प्रेज़ द लॉर्ड, प्रेज़ द लॉर्ड। आपको लोग भुला दें आपके भलाई को, पर परमेश्वर बोलिए मैं भलाई करने के लिए सिरजा गया हूँ। मैं भलाई करने के लिए सिरजा गया हूँ, और जो मैं भलाई करता हूँ उसका परिणाम हमेशा अच्छा हो, अच्छा होगा। हालेलुया। एक कहानी बताना चाहता हूँ आपको। एस्तर की पुस्तक उसका 6वें अध्याय में उसका 1 पद पढ़ेंगे। एस्तर की पुस्तक उसका 6वां अध्याय 1 पद। जी हाँ। उस रात राजा को नींद नहीं आई, इसलिए उसकी आज्ञा से इतिहास की पुस्तक लाई गई और पढ़कर राजा को सुनाई गई। हाँ। उसमें यह लिखा हुआ मिला। हाँ। कि जब राजा शयक्ष के हाकिम जो द्वारपाल भी थे, उनमें से बिताना और तरेश नामक दो जनों ने उस पर हाथ उठाने की युक्ति की थी, उसे मोर्दकै ने प्रकट किया था। हालेलुया। एक बार कुछ लोग, कुछ विरोधी तत्व राजा को मारना चाहते थे, राजा को खत्म करना चाहते थे, राजा को नष्ट करना चाहते थे, राजा को हानि पहुंचाना चाहते हैं। एक व्यक्ति जिसका नाम मोर्दकै था, उसने मैसेज अंदर भिजवाया कि राजा के जान को खतरा है, और वो मैसेज के कारण राजा का जान बच गया। उस राजा के जो है खतरे से राजा बच गया, और किसी ने मोर्दकै को कोई इनाम नहीं दिया।
राजा ने मोर्दकई को कोई इनाम नहीं दिया, राजा के अधिकारियों ने मोर्दकई को कोई इनाम नहीं दिया, लोग भूल गए, इतिहास में लिख दिया गया, पन्ने बंद हो गए। हालेलुया, मोर्दकई फिर भी खड़ा है उसी जगह पर। सुनो, आपकी भलाई को लोग भूल जाएंगे, आप समय का इंतजार करो, आपकी भलाइयों का प्रतिफल परमेश्वर जरूर आपको दिला देगा। हालेलुया, रात को राजा को बेचैनी हो गई, राजा को नींद नहीं आ रही है, राजा सोच रहा है करो तो करे क्या, राजा कह रहा है जाए तो जाए क्या, इधर से उधर, उधर से उधर, उधर से उधर चैन जो है घूम रहा है और उसको बेचैनी आ रही है। परमेश्वर ने याद दिलाया, इतिहास की पुस्तक मंगा ले और कुछ उसी में से पढ़ ले। हालेलुया, और राजा पढ़ रहा है और फिर इसके बाद उसको याद आता है, अरे एक व्यक्ति है यहाँ पर जिसका नाम मोर्दकई है, इसने मेरे प्राण को बचाया, अब बताओ वो आदमी क्या कर रहा है। बोले कुछ नहीं, वो दरवाजे पर खड़ा रहता है। बोले आप लोगों ने कुछ नहीं दिया उसे? बोले कुछ नहीं दिया। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड, राजा ने कहा उसको देना पड़ेगा। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। उसने दुश्मन को बुलाया, किसके दुश्मन को? मोर्दकई के दुश्मन को बुलाया, हमान को बुलाया और बोला अगर किसी ने राजा का भलाई किया हो उसके साथ क्या किया जाए। ओ, हमान ने सोचा शायद मेरे लिए अच्छी बातें हैं, और दुश्मन ने ही बताया उसको, राज की वस्त्र पहनाकर उसको पूरे शहर में उसका आदर सम्मान हो। हालेलुया, और हमान सोच रहा है मेरी आदर होगी, अपने बारे में बड़ाई करते जा रहा है, उसके साथ ऐसा करो, उसके साथ ऐसा करो, ऐसा करो, उसको पता नहीं है कि मेरे दुश्मन को ही आज उठाया जाएगा। हालेलुया, राजा ने बोला जो तू कह रहा है मोर्दकई को बुला, उसके साथ ठीक वैसा ही किया जाए। हालेलुया, आपका दुश्मन जो आपको गिराने के लिए 24 घंटे खड़ा रहता है, आपकी परिस्थितियां जो आपको गिराने के लिए 24 घंटे खड़ी रहती है, आपकी बीमारी जो आपको मारने के लिए 24 घंटे खड़ी रहती है, उसी को परमेश्वर आदेश देगा और वही आपको ऊंचा उठाएगा, वही आपको ऊंचा उठाएगा, आपकी चुनौतियां आपको ऊंचा उठाएंगी, आपकी बीमारियां आपको भलाई की ओर लेकर जाएंगी, आपकी कमी घटी आपको ऊंचाई की ओर लेकर जाएगी। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया, आपको समझ में आए या ना आए परमेश्वर ऐसा ही करने जा रहा है। तीन पद में क्या लिखा है, तीन पद में क्या कहा है, राजा क्या कहता है, पढ़िए। तब राजा ने पूछा इसके बदले मोर्दकई की क्या प्रतिष्ठा और बढ़ाई की गई? हाँ, राजा ने जो सेवक उसकी सेवा टहल कर रहे थे उन्होंने उसको उत्तर दिया उसके लिए कुछ भी नहीं किया था। हालेलुया, उसके लिए उसके लिए उसके लिए कुछ भी नहीं किया गया। राजा ने कहा करना पड़ेगा, इंतजार करना, आपका बेकार टाइम करना नहीं है, ये जान लीजिए परमेश्वर के बेटे और बेटी। अब्राहम 25 वर्ष तक इंतजार करता रहा बेटे के लिए, परमेश्वर ने उसे बेटा दिया, हालेलुया, इसहाक दिया, और ये भी परमेश्वर ने कहा पृथ्वी की सारी जातियां तुम में क्या पाएंगे, आशीषित होंगी। आज पृथ्वी की सारी जातियां, हम अलग अलग जाति से आए हैं, हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड, पर सुनो पृथ्वी की सारी जातियां यीशु मसीह में अब्राहम की संतान है, जोरदार ताली बजाएं। हम उसकी संतान नहीं थे पर आज हम हैं, क्योंकि परमेश्वर ने, क्योंकि अब्राहम ने 25 साल तक परमेश्वर के वायदे का इंतजार किया। परमेश्वर झूठा नहीं है, परमेश्वर जो कह दिया है उसको अवश्य करेगा। हालेलुया, दाऊद 13 साल के लगभग जंगलों में घूमता रहा, जबकि परमेश्वर ने दाऊद का अभिषेक कर दिया था कि वो राजा बनाया जाएगा, पर 13 वर्ष से ज्यादा दाऊद जो है जंगलों में घूमता रहा, इंतजार किया और परमेश्वर ने ठीक समय आने पर उसको राजा बनाया। हालेलुया, यूसुफ 17 से 20 सालों तक, हालेलुया, जो गुलाम रहा, कैद में रहा, ठीक समय आने पर परमेश्वर ने उसको मिस्र का प्रधानमंत्री बनाया। हालेलुया, यीशु मसीह 30 सालों तक अपने माता पिता के अधीनता में इंतजार करते रहे, 30 साल पूरा होते ही परमेश्वर के राज्य के लिए बड़ा काम करना प्रारंभ कर दिया।
हालेलुया हालेलुया। तेरे लोग जो है 40 दिन तक उस पवित्र आत्मा को पाने का इंतजार कर रहे थे, उस ऊपरी कटौती में हालेलुया प्रेयर कर रहे थे और अद्भुत काम हुआ, पवित्र आत्मा उनके ऊपर उतरा। हालेलुया। पौलुस 3 दिन तक इंतजार करता रहा, जब वह अंधा हो गया था और जब उसने आंखें पाई उसने परमेश्वर की महिमा का कारण बना। 40 साल तक जंगल में मूसा को परमेश्वर ने भेड़ बकरियां चराकर सिखाया, इंतजार कराया इसराइली प्रजा का अगुवाई करने के लिए। हालेलुया हालेलुया। क्या आप सोच रहे हैं कि जो टाइम आप व्यतीत कर रहे हैं क्या वो बेकार में जा रहा है? क्या जो आप प्रार्थनाओं में समय दे रहे हैं क्या वो बेकार में जा रहा है? क्या आप दान बोल रहे हैं, दसवांश भेंट दे रहे हैं क्या वो बेकार में जा रहा है? क्या आप लोगों की मदद कर रहे हैं वो बेकार में जा रहा है? क्या आप लोगों के लिए आंसू बहाते हैं वो बेकार में जा रहा है? कदापि नहीं, कदापि नहीं। समय आने वाला है, उसका रिजल्ट आपको मिलने वाला है, उसका प्रतिफल आपको मिलने वाला है। हालेलुया हालेलुया। लोग देखते हो या ना देखते हो, लोग आपको अप्रिसिएट करते हो या ना करते हो, लोग आपकी सराहना करते हो या ना करते हो, लेकिन खुदावन आपकी सराहना जब करेगा दुनिया देखेगी, लोग देखेंगे, कम्युनिटी देखेगी। हालेलुया प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया हालेलुया हालेलुया। हमें कब इंतजार करना चाहिए? जब परिस्थितियां कंट्रोल से बाहर हो। प्रेज द लॉर्ड। जब आपके बस में कुछ ना हो आप इंतजार करो, परमेश्वर आपके लिए काम करे। हालेलुया। आप जब कुछ ना समझ में आए तब परमेश्वर पर भरोसा रखकर चलो, क्योंकि सब कुछ ठीक हो जाएगा। प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया। कब इंतजार करना है? जब लोग कठोर होकर अपने जीवन को बुराई के लिए जी रहे हो तब आप इंतजार करके सच्चाई में जिए, क्योंकि परमेश्वर आपको देख रहा है। हालेलुया। कब इंतजार करना है? जब समस्या समझ में ना आए, जब समस्याएं समझ से परे हो आप परमेश्वर का इंतजार करो, परमेश्वर आपको ब्लस करने जा रहा है। सवाल ये आता है कि हम परमेश्वर का इंतजार क्यों करें? हम परमेश्वर का इंतजार हम तो खुद ही कर लेंगे, हम तो खुद ही एफर्ट कर लेंगे, हम खुद ही सब कुछ कर लेंगे, परमेश्वर का इंतजार क्यों करें? तो नंबर 1, दुनिया की हर परिस्थितियां परमेश्वर के हाथों में नियंत्रित की जाती है। दुनिया की हर चीज़ें परमेश्वर के द्वारा नियंत्रित की जा रही हैं। सब कुछ, दुनिया की हर चीज़ें परमेश्वर के कंट्रोल में है, इसलिए हम परमेश्वर का इंतजार कर सकते हैं। हालेलुया हालेलुया। जो इंतजार करते हैं वो कभी लज्जित नहीं होते हैं, इसलिए हमें परमेश्वर का इंतजार करना बहुत जरूरी है। नंबर 3, हम परमेश्वर का इंतजार कैसे करें? हालेलुया। क्या घर में बैठकर इंतजार करें? कैसे करें इंतजार? परमेश्वर का इंतजार कुछ पाने की महान इच्छा के साथ इंतजार। हालेलुया। परमेश्वर के एक जन ने इस प्रकार से कहा कि परमेश्वर से महान बातों की अपेक्षा करो। क्या करो? परमेश्वर से महान बातों की अपेक्षा करो और परमेश्वर के लिए महान बातों को प्राप्त करो। आप समझ रहे हैं? किन किन बातों की अपेक्षा करो? महान बातों की। और उसको पाने के लिए कैसे इंतजार करो? जिज्ञासा के साथ, लगनता के साथ, इच्छा के साथ। मुझे मिलेगा, मुझे पाना है, परमेश्वर मुझे देने जा रहा है। आप ऐसे करके परमेश्वर के आशीषों का इंतजार करें। हालेलुया। शांत होकर उसका इंतजार करें, मन को तसल्ली दिलाकर धीरज के साथ उसका क्या करें? इंतजार करें। परमेश्वर जरूर आपके लिए करेगा। नंबर 3, भरोसे के साथ इंतजार करें। कैसे करें? हे यीशु, तू चाहता है हमारे ऊपर राज्य करना, तू चाहता है हमारे ऊपर राज्य करना, हम बताएंगे तुझे। उसके भाइयों ने कहा, उसे ले जाकर गड्ढे में डाल दिया, बोले मार दो इसको। एक भाई ने कहा मारो मत भाई,
भाई का मारना हमारे ऊपर हत्या पड़ेगा, इसको ऐसा करो बेच दो। तो लोगों ने कहा हाँ बेच देते हैं, यही अच्छी बात है, जाके उधर ही मरेगा, गुलाम बना रहेगा, हमारे ऊपर तू राज्य। अच्छा, परमेश्वर का बड़ा दर्शी बन गया है, बेच दिया गया। 17 से 20 साल तक वो बाहर रहा, लेकिन जो भाई ये सोच कर बेच दिए थे कि यीशु के सामने कभी हम झुकेंगे नहीं, परमेश्वर ने उन्हीं को उठाकर मिस्र में ले गया और उनके सामने, यीशु के सामने सबको झुकाए। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। पर लोग कहते होंगे यीशु नहीं होगा, हालेलुया। पोतीपर के घर के लोग कहते होंगे यीशु नहीं होगा, जेल में लोग कहते होंगे क्या बात करता है, ऐसा कभी नहीं होगा। लेकिन यीशु को भरोसा था अपने खुदावंत पर, जो उसने कहा है, वो जो उसने कहा है वो निश्चय होकर। हालेलुया। और रातों रात सरकार बदल गई। क्या हो गई? रातों रात सरकार बदल गई। कोई और प्रधानमंत्री बैठा था, रातों रात सुबह होते ही यीशु प्रधानमंत्री बन गया। आपके जीवन में रातों रात सब कुछ बदल जाएगा, आपके लाइफ में रातों रात सब बदल जाएगा, आपके लाइफ में सब कुछ चेंज हो जाएगा। क्या आप भरोसे के साथ परमेश्वर का इंतजार करते हो? उसके कामों के लिए आप देखोगे बड़े कामों को। हालेलुया, हालेलुया। समय से पहले जो चीजें मिल जाती हैं आपको बर्बाद कर देती हैं, समय के बाद जो चीजें मिलती हैं कोई वैल्यू नहीं होता है, समय पर जो चीज मिल जाती है वो बहुत कीमती होती है। हालेलुया, हालेलुया। समय से पहले नहीं देता है परमेश्वर और समय के बाद नहीं देता है परमेश्वर। सही समय पर आऊंगा, नियुक्त समय पर आऊंगा, सारा गर्भवती होगी, पुत्र जनेगी। और हालेलुया, ऐसा हुआ। मरियम से कहा सही समय पर तू गर्भवती होगी, पुत्र जनेगी। हालेलुया। राइट टाइम पर काम करने वाला परमेश्वर, इंतजार तो करके देखो वो आपके लिए कैसे काम कर देता है। हालेलुया। परमेश्वर किसी को क्यों जल्दी नहीं देता है? परमेश्वर किसी को क्यों जल्दी नहीं देता? हर कोई चाहता है कि मैं बहुत बुद्धिमान हो जाऊं, हर कोई चाहता है मैं बहुत धनवान हो जाऊं, हर कोई चाहता है मैं बहुत सारी संसाधन का मालिक बन जाऊं, पर परमेश्वर तुरंत क्यों नहीं देता? क्या परमेश्वर के पास किसी बात की कमी है? बोलिए, क्या परमेश्वर देने में असक्षम है? पर क्यों नहीं देता है? विश्वास के कारण। बताइए, आप जवाब दीजिए क्यों नहीं देता है? आप टाइप करके बता सकते हैं ऑनलाइन। धीरज को देखता है, वेरी गुड। धीरज को देखता है, ताकि ऐसा ना हो कि ये बंदा अगर पाए और सब कुछ गड़बड़ करना चालू कर दे। हालेलुया। एक पागल के हाथ में अगर वो पता नहीं AK-47 मिल गया तो सारा काम कर जाएगा। हालेलुया। तो जो पहले AK-47 या जो गन चलाते हैं, तोप चलाते हैं, ट्रेंड किए जाते हैं। क्या किए जाते हैं? क्या किए जाते हैं? और जब ट्रेंड हो जाते हैं तो जाओ लड़ने के लिए, अब आपको वो मिल जाता है। आपने गाड़ी चलाने नहीं जाना है और आपके पिता ने गाड़ी दे दिया, तो पता है या तो आप निकल जाएंगे, या तो गाड़ी निकल जाएगी, या सामने वाला निकल जाएगा। हालेलुया। इसलिए पिता भी आपको पहले ड्राइविंग सिखाएगा, फिर आपको गाड़ी लाइसेंस भी बनवाएगा, तब आपको गाड़ी, नहीं तो या तो आप निकलोगे या तो कोई और निकल जाएगा। इसलिए आप ध्यान से सुने, परमेश्वर नहीं चाहता है कि आप निकल जाओ, या परमेश्वर ये नहीं चाहता है कि किसी और को आप निकाल दो, इसलिए आपकी ट्रेनिंग करता है। हालेलुया। ट्रेंड करके उचित टाइम पर आपको दे देता है और उसके आशीष को आप आनंद मनाते हो, आराम से उसको इस्तेमाल करते हो और कभी कोई खतरा नहीं होता। प्रेज़ द लॉर्ड। हालेलुया, हालेलुया। इसलिए बाइबल में याकूब की पत्री में लिखा है, हे मेरे प्रियो, जब तुम नाना प्रकार की परीक्षा में पड़ो तो आनंद की बात जानो। क्या जानो? आनंद की। क्या जानो? आनंद की। क्या जानो? आनंद की।
क्या चालो? अरे नहीं, परेशानी आ गई, रो गाओ हाथ पीटो। कई लोग ऐसे ही करते हैं ना, हाय परेशानी, हाय दिक्कत, हाय कर्जा, हाय मुसीबत। कह रहा है आनंद की बात जानो, क्योंकि तुम्हारे विश्वास के परखे जाने से तुम्हारा धीरज उत्पन्न होगा, तुम मैच्योर बन जाओगे, तुम सफल होगे, कोई नीचे नहीं गिरा पाएगा। हालेलुया, हालेलुया। उस व्यक्ति को कोई नहीं गिरा सकता है जो जमीन से उठा है, जो सीधे उड़कर ऊपर खड़ा हो जाता है उसको गिराने में आसानी होती है, जो जमीन से बिल्डिंग अच्छी से बनी है गिराने में टाइम लगता है, जो ऐसे सीधे ऊपर खड़ी कर दी गई है कोई ऐसा लगा के बल्लियाँ, तुरंत चीजें गिर जाती है। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। बाइबल कहती है परमेश्वर से प्रेम करने वालों के लिए सारी बातें मिलकर भलाई, सारी बातें मिलकर भलाई। आप इंतजार कर रहे हो ना तो भलाई होने वाली है, आपके साथ बुरा दिखाई दे रहा है तो भलाई होने वाली है, आप किसी विपरीत परिस्थिति में होकर जा रहे हैं इंतजार कर रहे हो, भलाई होने वाली है। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया, हालेलुया। बोल यीशु मसीह के, उकाब ना, उकाब की कहानी बहुत लोग जानते हैं और बहुत लोग नहीं भी जानते। उकाब का बल बुढ़ापे में भी नया हो जाता है। हालेलुया, हालेलुया। हाँ, सभी लोग जानते हैं ना, और लोग भी ये कहते हैं कि अब तो हम बुजुर्ग हो गए हैं इसलिए थोड़ा सा हमारा बल कम हो गया है, अब तो हम उम्र 70-80 साल के हो गए इसलिए परेशानियाँ आ रही हैं। सुनिए, परमेश्वर के लोगों, आप बुजुर्ग होगे तो आपका ताकत जो है ना रिन्यू होगा। क्या होगा? क्या होगा? क्या होगा? रिन्यू होगा। आपने कभी टायर को देखा है? टायर जिसको दोबारा रबड़िंग किया जाता है, किसी को आइडिया है क्या करते हैं लोग टायर को? पुराना टायर जो घिस गया है उसको कंपनी में भेजते हैं और उसके ऊपर नया रबड़िंग की जाती है, उस पर फिर से एक परत चढ़ाया जाता है और वो फिर से अच्छा काम करने लगता है। परमेश्वर के लोग, चाहे आप जॉब से रिटायर हो गए हो, चाहे काम से रिटायर हो गए हो, चाहे उम्र से रिटायर हो गए हो, सुनिए, हालेलुया, परमेश्वर के लोग रिटायर होते हैं, हालेलुया, पर वो वाले रिटायर नहीं, रिटायर जिसको रबड़िंग की जाता है उसके ऊपर रिटायर किया जाता है, रिटायर किया जाता है, फिर से उसका नयापन लेकर आता है परमेश्वर। हालेलुया, आप बुजुर्ग होंगे लेकिन आप और बल पे बल प्राप्त करते जाओगे। हालेलुया। उकाब क्या करता है? उकाब जवानी में तो बड़े अच्छे से उड़ते रहता है, जब वो बुजुर्ग हो जाता है तो एक समय वो अपने आप को एक ऐसी गुफा में, एक ऐसे ऊंचे जगह पर ले जाता है, एकांत जगह में ले जाता है और वो अपने सारे परों को निकालना चालू कर देता है। क्या करता है? अपने मुंह से सारे परों को निकाल देता है और बिल्कुल वो झूठा हो जाता है, नंगा हो जाता है और कुछ दिन तक बस अपने मुंह को इधर उधर चलाते रहता है, उसको भोजन नहीं मिलता है। हो सकता है उसके साथी लोग उसको कोई ना कोई भोजन लाते होंगे या थोड़ा भोजन इकट्ठा करके रखता होगा और धीरे धीरे उसके अंदर से नया पर निकलना चालू क्या हो जाते हैं, नया फीदर्स आ जाते हैं, नया पंख हो जाता है और फिर कुछ दिनों बाद हालेलुया वो फिर से जवान उकाव के समान उड़ना प्रारंभ कर देता है। आपका वेटिंग टाइम, आप इंतजार करते हो, आप अपने परों को नया आने का इंतजार करते हो, आपके ब्लेसिंग का आप इंतजार करते हो, अपने बल को पाने का इंतजार करते हो, अपने नए जॉब को पाने का इंतजार करते हो, अपने बिजनेस को सफल होने का इंतजार करते हो, परमेश्वर नया करेगा और आपको ऊंचाइयों पर लेकर जाएगा। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया, हालेलुया। परमेश्वर के लोगों, आपका परमेश्वर के नाम से इंतजार करना बेकार नहीं जाएगा। Praise the Lord, praise the Lord, praise the Lord। लेकिन मैं ये कहूँगा शॉर्टकट मत अपनाओ, शॉर्टकट मत अपनाओ, नहीं तो आप बड़े खतरे में फंस जाओगे। पैसा कमाने के लिए शॉर्टकट मत अपनाओ, शादी करने के लिए शॉर्टकट मत अपनाओ, और कोई
कर्जा निपटाने के लिए शॉर्टकट मत अपनाओ, शॉर्टकट मत अपनाओ, परमेश्वर के रास्तों का अनुसरण करो। प्रभु आपको कर्जे से भी मुक्त करेगा, आपको बीमारी से भी मुक्त करेगा, आपकी शादी भी करवाएगा, आपको सब कुछ करके देगा, पर इंतजार करके चलो, प्रभु अपने कामों को जरूर करेगा।